मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जिले की धर्मपुरी तहसील पहुंच गए हैं। जल्द ही वे बांध लीकेज के बाद बने हालात का जायजा लेंगे और प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। धर्मपुरी तहसील के कोटीदा गांव में कारण नदी पर बनाए जा रहे डैम की साइड वॉल ढहने के बाद स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। बांध में लीकेज आ गया था और चैनल बनाकर इसे खाली करने की कोशिश की जा रही थी, तभी साइड वॉल गिरने से बांध का पानी तेज बहाव से धार और खरून के गांवों से होता हुआ महेश्वर में नर्मदा में मिल गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस बांध को लेकर कांग्रेस अब भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ क्षतिग्रस्त हुए बांध का हवाई सर्वे करेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने बताया कि हवाई निरीक्षण के बाद प्रभावित हुए गांवों में भी जाएंगे। वे ग्रामीणों से चर्चा कर उनको हुए नुकसान की जानकारी लेंगे।